हाँ ये मेल है, मेल हाँ, आर्टिमिया है, हेल्दी मिया है, ये सब आप खिला सकते हो। और उसके बाद ठीक है, ये आ रहा है रेड बेस्ट लेपर्ड, हाइट आप उसको 16 से 18 इंची, राइट, एक हल्का येलो बॉर्डर आएगा, दैट इज रेड गोल्डन डिस्कस। यहाँ पर ये वानी भर के मिथिलिन ब्लू, ये डिस्कस देखिए, ये डिस्कस आ चुका है मेरे पास करीबन 1.5 महीना हो चुका है। भला मुझसे भी हो, किसी से भी खरीद के डायरेक्ट एकदम एक्वेरियम में प्लीज मत डालिए। ये वाला जो आप डिस्कस देख रहे हो, ये कोबाल्ट ब्लू है, फंगस होता है, बचा हुआ खाना नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया फंगस का कोई दिक्कत ले, तो क्लाउन लॉज भी अमोनिया लेवल कंट्रोल करता है बहुत ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों आकाश ब्लॉग एंड पेट्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज आ गए नया वीडियो लेके, नया टॉपिक के ऊपर आज आ गए रिश्रा में एक डिस्कस गैलरी और डिस्कस शॉप विजिट करने के लिए। तो पीछे जो मेरा पास बिना बाजू में जो खड़ा है, ये जो डिस्कस गैलरी है आप लोग देख रहे हैं, तो ये गैलरी का ओनर है, उनका साथ थोड़ा परिचय कर लेते, तो उसके बाद हम लोग कलेक्शन उनका पास से देख लेंगे। तो नमस्कार दादा, कैसे हैं आप? सौरभ दा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो आकाश? मैं तो बढ़िया हूँ। और बताइए आपका पास कौन सा मछली आए हैं और कहाँ कब आए हैं, सब कुछ का बारे में बताइए, अंदाज दीजिए थोड़ा। देखिए नॉर्मली मेरा पास तो हर एक मछली मिलता है, अगर मोस्टली जो है वो इम्पोर्टेड है जो मिलता है मेरा पास, एग्जॉटिक्स, उसमें होता है डिस्कस, अच्छा, फ्लैग टेल, आरवाना, फ्लावर हॉर्न, स्टिंग रे, सेनेगल, फ्रोंटोसा, एशियाटिक, क्लाउन लोज है, एल्बिनो क्लाउन लोज, फिर आपका पाइक, हाँ ये सब, ऑस्कर, पैरट, वो सब तो है ही है, ठीक है, शिवरम, ये सब मोस्टली, ये सब चीज़, हाँ थोड़ा बहुत छुक छाक मैं नॉर्मल लोकल फिश रखता हूँ जो नॉर्मल कस्टमर्स के लिए चाहिए होता है, क्योंकि सब हमेशा ये डिस्कस और आरवाना से नहीं चल सकता है मार्केट। अच्छा, तो यही है नॉर्मली। आप तो ब्रीडर भी, ब्रीडर है ना? मैं डिस्कस का ब्रीडर हूँ, हाँ, मगर फिलहाल मेरे काम के सिलसिले में मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो इस साल मुझे लगता नहीं मैं सक्सेसफुल ब्रीडिंग करवा पाऊँगा। मैं आप लोग को दिखाऊंगा क्यों मैं बोल रहा हूँ सक्सेसफुल ब्रीडिंग नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि मैं इस साल मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ दूसरा काम लेके, तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, वाटर टीडीएस मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं आपको ऊपर में दिखाऊंगा कि डिस्कस एग्स ले किया है मगर 80% इनफर्टाइल हो जा रहा है, क्योंकि फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ वाटर, वाटर चेंज ढंग से नहीं हो पा रहा है फिर, क्योंकि डिस्कस ब्रीडिंग के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, सिर्फ अंडा दे दिया और बच्चा होगा इसका कोई मतलब नहीं है, वाटर पैरामीटर्स चाहिए, फूडिंग चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो उस इस बार शायद ही मैं कर पाऊंगा, अगर होगा भी तो 1 से 2 क्लच से ज़्यादा मैं नहीं निकालूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। और आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए और इधर जो लोकेशन है वो बता दीजिए आप। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9007857766। ओके, फिर से दोहरा रहा हूँ, 9007857766, व्हाट्सअप कॉल दोनों ही इसमें अवेलेबल है। और मेरा लोकेशन है रिश्रा बांगूर पार्क, स्टेपिंग स्टोन स्कूल, वापस से बोल रहा हूँ, हाँ ये लैंडमार्क है, स्टेपिंग स्टोन स्कूल में एकदम उसके बाजू में, ठीक है। ये बताइए रिश्रा स्टेशन से कितना टाइम लग जाएगा आपका? आप पैदल आना चाहते हो रिश्रा स्टेशन से, ईस्टर्न साइड में है, हाँ, गंगा की तरफ या म्यूनसिपलिटी की तरफ, हाँ पैदल आना चाहते हो तो मुश्किल से 7 से 8 मिनट, अगर टोटो पकड़ते हो तो 5 मिनट। टोटो का किराया, हाँ, कितना गिरेगा? टोटो का किराया 10 रुपया है, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। अच्छा। अगर रिक्शा से आना हो तो रिक्शा का 20 रुपया है, हाँ वो ठीक है, जायज़ है, क्योंकि बंदा लोग तो मशीन में नहीं, पैदल मतलब अपना एफर्ट देके उन लोग रिक्शा खींचता है, तो उन लोग 20 रुपया मांगता है, तो ठीक, वो ठीक है, मगर टोटो का किराया 10 रुपया से ज़्यादा मत दीजिएगा। हाँ बहुत बंदा नया बंदे को देखे 15 रुपया मांगता है इन लोग, हाँ बोलता है घुमा के जाना पड़ेगा, कोई घुमा के रास्ता नहीं है, एकदम रास्ता एकदम साफ सुथरा सीधा है, एकदम सीधा है, ठीक है। और ये बात बताइए कि आपका ये डिस्कस और आपका जो भी फिश बाहर डिलीवरी तो जाते हैं? ऑल ओवर इंडिया जाता है, ठीक है, आज जा रहा है नेपाल, ठीक है, वाया रॉक्सॉल होके, हाँ मेरा नेपाल का कोई बंदा हो तो वो बेफिक्र मुझसे ऑर्डर ले सकता है, मेरा रॉक्सॉल में माल उतरता है, रॉक्सॉल से नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मेरा एजेंट है, okay. हाँ वो एजेंट आपको नेपाल बॉर्डर तक दे देगा, बाकी उससे आगे की बात वो जाने, ठीक है, हाँ नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि आपको बिल चाहिए होता है, ठीक है, वो बिल मैं प्रोवाइड करता हूँ फॉर द फिश।
बहुत ही कम बंदे हैं जो बहुत ही कम सेलर है जो बिल प्रोवाइड करता है फॉर द फिश टू क्लियर द बॉर्डर। ठीक है, मेरा बांग्लादेश भी जा रहा है। हाँ, पिछले हफ्ते बांग्लादेश गया है। बांग्लादेश जाने का सिस्टम है मेरा बोनगा बॉर्डर में, मेरा एजेंट है। ठीक है, वो एजेंट आपका क्लियरेंस करवाएगा। हाँ, क्लियरेंस के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है, वो कस्टमर जो है कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। हाँ, मगर मेरा उतना तक है कि मैं बोनगा बॉर्डर एजेंट के पास दे दूंगा, क्लियरेंस सर्टिफिकेट वहाँ से निकलेगा, निकल के माल इधर से उधर जाएगा। ओके, मगर ड्राई में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए सब कुछ हम एक साथ नहीं खा सकते हैं। हाँ, जब फिश लेके डील कर रहे हैं, हम फिश लेके डील कर रहे हैं, ड्राई का बहुत सारे बंदे हैं। हाँ, जो ड्राई भेजता है। हाँ, तो बात यही है। हाँ, मैं एकदम मतलब अपना बिजनेस को क्लियर कट शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। okay. एकदम कि मेरा यही जोन है, मेरा यही टारगेट ऑडियंस है, मैं इतना में रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्शन करूँगा बस, और कुछ नहीं। ओके दादा, थैंक यू, यू वेलकम। तो चलिए देख लेते हैं आज का कलेक्शन, बिना स्किप करके आज का वीडियो दोस्तों पूरा देखिए। और अभी जो फ्रेंड चैनल में नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो देखते रहिए बिना स्किप करके आज का वीडियो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला जो टैंक आप लोग देख रहे हैं, इधर से हम लोग शुरू करते हैं डिस्कस। टैंक का ऊपर से शुरू करते हैं हम लोग। इधर देखिए बहुत सारे सब डिस्कस ही इम्पोर्टेड है। इधर जो भी दिखाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से, सब डिस्कस ही इम्पोर्टेड है। सो दादा का पास पूछ लेते हैं कुछ, मतलब सजेशन वगैरह सब कुछ लेते हैं। कब आए हैं ये डिस्कस? देखिए ये डिस्कस आ चुका है मेरे पास करीबन डेढ़ महीना हो चुका है। okay. ये सारे मार्क 10 के हैं। okay. ठीक है, ये है रेफ्लेशिया। हाँ, ये जो, हाँ ये है रेफ्लेशिया। ठीक है, एकदम फायर रेड कलर है रेफ्लेशिया। ये है हाई बॉडी रेड। हाँ, ये मेल है। मेल, हाँ, ये पेयर आज जा रहा है नेपाल। हाँ, ये ऑलरेडी बुक्ड है, आज शाम के ट्रेन से जाएगा, सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है 11:25 का, उसमें जाएगा। ये मेल है, और एकदम पीछे में जो दिखाई दे रहा है आपको, हाँ ये वाला फीमेल है। और ये सामने वाला का नाम क्या है? ये वाला जो आप डिस्कस देख रहे हो, ये कोबाल्ट ब्लू है, हेकेल क्रॉस है। हेकेल क्रॉस, हाँ। अच्छा। तो इसीलिए इसका जब भी ये क्रॉस बोल रहे हैं हम लोग, तो क्रॉस में हेकेल की तरह सिंगल बार नहीं आएगा, मल्टीपल बार हो जाता है। तो आपको दिखाई देगा बॉडी में कि उसका मल्टीपल बार है, और बार प्रोमिनेंट नहीं आया है इतना। देखिए बार जो दिखाई दे रहा है आपको बॉडी में, ब्लैक स्ट्राइप्स, दैट्स बेसिकली कोबाल्ट ब्लू हेकेल क्रॉस। हाँ, और बीच में आपको एक मछली दिखाई दे रहा है। हाँ, जो इस तरफ है। हाँ, राइट। हाँ, दिस इज कॉल्ड द येलो फ्लैगटेल। येलो फ्लैगटेल, ठीक है। येलो फ्लैगटेल एक डिस्कस के टैंक में बहुत बेनिफिशियल फिश है। अच्छा। वो क्या करता है, डिस्कस के टैंक में जितना एल्गी फॉर्मेशन होता है उसको कंट्रोल करता है, और अमोनिया लेवल को डाउन करता है। हाँ, फ्लैगटेल के कॉस्टिंग ज़्यादा है, इसीलिए बहुत बंदे बोलते हैं कि इतना छोटा मछली 750-800 रुपया बहुत बड़ा महंगा पड़ जाता है हम लोग के लिए। तो अगर आप फ्लैगटेल नहीं डालना चाहते हो, तो डिस्कस का टैंक में आप एशियाटिक डाल सकते हो। एशियाटिक लास्ट ऑप्शन है, फ्लैगटेल फर्स्ट ऑप्शन है, बीच वाला ऑप्शन है क्लाउनलोच। दीज आर टैंक मेट। टैंक मेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरा मच्छी का साथ कौन मच्छी रह सकता है, सिर्फ वो नहीं देखना पड़ेगा, हम ये मच्छी का साथ जो दूसरा मच्छी को हम डाल रहे हैं एज ए टैंक मेट, वो क्या काम कर रहा है इन द टैंक। ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा कि टैंक मेट्स ऐसा डालिए जो टैंक को भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन करे, क्योंकि आपका मेन चीज है डिस्कस। ऑब्वियसली मेन चीज है आपका डिस्कस को। डिस्कस का साथ टैंक मेट जब भी डालेगा तो बहुत सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि टैंक मेट क्लाउन लोच आप डाले तो क्लाउन लोच भी अमोनिया लेवल कंट्रोल करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, मगर क्लाउन लोच सस्ता है इन कंपेयर टू फ्लैगटेल। ठीक है, उसका बाद अगर आपको डालना चाहिए तो आप डालो एशियाटिक, जो ये वाली मच्छी है एशियाटिक वाला। हाँ, इसको कहते हैं एशियाटिक। ठीक है, हाँ ये सब हाई फिन है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एशियाटिक। हाँ, इसको लगे एशियाटिक ज़्यादा अमोनिया लेवल कंट्रोल नहीं करता है, मगर एशियाटिक क्या करता है, जो ग्राउंड में पड़ा हुआ खाना रहता है जो डिस्कस नहीं खाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए आप अगर, लेट्स टेक एग्जांपल, आप अगर 5 ग्राम खाना आप दे रहे हो, हम अप्रॉक्स बता रहे हैं। ठीक है, कोई तो ऐसा, हम लोग नाप के तो खाना देते नहीं है, कोई भी जिंदगी में नहीं देता है। ठीक है, हम लोग अंदाज से देते हैं, क्योंकि देते देते हम लोग का आदत हो गया, तो इसीलिए मुझे पता है कि हम क्या डाल रहे हैं और कितना डाल रहे हैं।
डिस्कस खाने का बाद जो रिमेनिंग होता है हाँ वो खा लेना जरूरी है, और इसके लिए दूसरा मच्छी चाहिए। हाँ, एशियाटिक, क्लाउन लोच ये सब क्या करते हैं, फ्लैक्टेल उसको खा लेता है। अच्छा। तो इसीलिए क्या होता है, जो बचा हुआ खाना अगर टैंक में रह जाए तो उससे बैक्टीरिया फंगस होता है। बचा हुआ खाना नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया फंगस का कोई दिक्कत है नहीं तब। हाँ, तो इसीलिए टैंक मेट्स आप लोग, इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत सोच समझ के डालें। हाँ, और एक एकदम सिंपल और एक टैंक मेट है डिस्कस के, जो आप कॉरिडोरस बोलता है, जो कोरी कैटफिश, जो लोकल इस सब का पास मिलता है कोरी कैटफिश। मगर कोरी कैटफिश डालने का एक सिस्टम है, डायरेक्ट किसी से खरीद के, किसी से भी, भला मुझसे भी हो, किसी से भी खरीद के डायरेक्ट एकदम एक्वेरियम में प्लीज मत डालिए। मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, प्लीज मत डालिए, बिकॉज कोरी कैट लोकल फिश है। पता नहीं मुझे कि कहाँ से हम ला रहे हैं, जिससे हम ला रहे हैं उसका पानी का कंडीशन क्या है, क्या नहीं है। सही बोला है। हाँ, तो कोरी कैट को लेके आप एकदम किसी और जगह में थोड़ा क्वारंटाइन कीजिए। भला आप एक छोटा बाल्टी खरीद लीजिए, हर एक माल 25 रुपया, सबका घर के सामने से वैन सुबह सुबह गाना बजाते बजाते घूमता है, उससे एक 25 रुपया का बाल्टी ले लीजिए, आधा बाल्टी पानी भरिए, पानी भर के मिथिलीन ब्लू, सिर्फ मिथिलीन ब्लू और रेस्टिक्लिन जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है, अच्छा। मिलेगा बहुत कम, ऑर्डर देने से दवाई लोग मतलब दवाई वाला बंदा दुकानदार मंगवा देता है। रेस्टिक्लिन टैबलेट, ये हम सिखा दे रहे हैं आपको सबके लिए। रेस्टिक्लिन, आधा रेस्टिक्लिन पानी में घोल के उस बाल्टी में डाल के कोरी कैट को एटलीस्ट 2 दिन के लिए उसमें छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर रेस्टिक्लिन नहीं मिल रहा है, किसी का पास नहीं मिल रहा है, तो सिप्लॉक्स 250, सिप्लॉक्स 250 का आधार, क्योंकि सिप्लॉक्स 250 और 500 से ज़्यादा मिलेगा नहीं मार्केट में, 125 सिप्लॉक्स बंद हो चुका है बहुत दिन पहले। तो सिप्लॉक्स 250 का आधा पानी में घोल के उस पानी में डाल के कोरी कैट को छोड़ दीजिए। 2 दिन कोरी कैट को उस पानी में रहने दीजिए, 2 दिन बाद पानी चेंज कीजिए, थोड़ा नमक, संधा नमक हाँ, घर में खाते हैं, घर में जो खाता है हम लोग जो खाते हैं, टाटा सॉल्ट मत डालिएगा, बिकॉज उसमें आयोडीन है। अच्छा। आयोडीन इज वेरी बैड, ठीक है। आयोडीन वाला नहीं, जो व्रत वाला नमक होता है, जो व्रत के काल मतलब टाइम में, या तो हम लोग का घर में कुछ अशुभ होता है तो हम लोग संधा नमक का पैकेट ला के उसको रॉक सॉल्ट, करेक्ट, रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट नहीं, ब्लैक सॉल्ट है जो आप लोग फल उल में डाल के खाते हैं, वो वाला नहीं, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का पैकेट 7 रुपया 8 रुपया कहीं भी किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, ग्रोसरी दुकान पे, वो वाला हाफ चम्मच पानी में घोल के, हाफ चम्मच, हाफ चम्मच मतलब वो जो आइसक्रीम खाने वाला चम्मच, वो चम्मच का हाफ चम्मच, ठीक है, पानी में घोल के वो कोरी कैट में दे दीजिए ऑन द 3rd डे। दे के 10-15 मिनट रखिए, फिर कोरी कैट को निकाल के डिस्कस के एक्वेरियम में आप डाल दीजिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लीविंग कोरी कैट। चाहे भला आप डिस्कस के एक्वेरियम में रखो, चाहे आप गोल्ड फिश के एक्वेरियम में रखो, चाहे आप मॉली या तो प्लांटेशन में रखो, दिस इज द प्रोसेस, और ये प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना ही है। हाँ, डिस्कस का प्रॉब्लम हो जाएगा। डिस्कस क्यों, आप डिस्कस छोड़ दीजिए, कोरी कैट तो कोई बंदा जो एंजल रखता है उसका भी हॉबी हो सकता है कि कोरी कैट रखे। अच्छा, हाँ, हम कोई भी कोरी कैट कहीं पे भी आप इंट्रोड्यूस करो तो कोरी कैट का ये सिस्टम है इंट्रोड्यूस करने का। हाँ, अगर किसी हॉबी से आप कोरी कैट ले रहे हो, ठीक है, तब तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जब डायरेक्ट मार्केट से आप खरीद रहे हो, या आप हमसे भी अगर खरीद रहे हो, ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, ना बाबा नहीं हूँ मैं, हाँ, मगर मुझसे भी जब खरीद रहे हो, क्योंकि मेरा वाटर पैरामीटर चेंज होगा ही। हॉबीज लोग का क्या है, उन लोग का ऑलरेडी सेट होता है, तो उन लोग के लिए आप वो सिप्लॉक्स वाला ट्रीटमेंट को ऑफ कर सकते हो, सिर्फ 10 मिनट संधा नमक वाला पानी में रख के आप कोरी कैट को अपना मेन टैंक में छोड़ सकते हो, ठीक है। ये कोरी कैट छोड़ने का सिस्टम है, ठीक है। जैसे हम लोग का सुबह उठ के पहला काम होता है ब्रश करना, कोरी कैट का छोड़ने के लिए ये भी वैसे ही ब्रश करने का वाला सिस्टम है जो आपको फॉलो करना ही है। डिस्कस पालने के लिए कितना फुट टैंक लगना लगेगा? देखिए, कोई स्पेसिफिक टैंक नहीं है डिस्कस पालने के लिए, मगर सिर्फ एक चीज़ आप डिस्कस के लिए फॉलो करो, हाइट वाला टैंक।
हाइट, मिनिमम हाइट आप उसको 16 से 18 इंची दो मिनिमम। अगर 2 फुट आप दे सकते हो तो बहुत बेहतरीन होगा। इसका टैंक का हाइट है 16 इंच, ठीक है, क्योंकि मैं 18 इंच नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा लाइट है, अगर मच्छी उठाने जाऊंगा मैं तो लाइट में लग जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा, तो मुझे एटलीस्ट मेरा 8 इंची का गैप रह के मैं चलता हूँ इसमें। अगर आप 18 से 20, 22, 24 इंची दे तो ज़बरदस्त, क्योंकि दीज आर ऑल लैटरल फिशेस, लंबा चौड़ा वाला मछली नहीं है, गोल्ड फिश की तरह या तो कार्प की तरह या तो टाइगर शार्क की तरह वो चीज़ नहीं है, ये एकदम वर्टिकल फिश है। तो वर्टिकल फिश जब भी होगा वो एकदम सीधा हाइट में बढ़ता रहता है और उसका मूवमेंट ज़्यादा हॉरिजॉन्टल नहीं होता है इन द टैंक, वो लैटरल मूवमेंट करता है, अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। जैसे आप इधर भी आप देख रहे हो मच्छी ज़्यादा इधर उधर नहीं भाग रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, राइट। अच्छा, दिस इज अ सिस्टम। और एक बात है आपके पास, हाँ जी, जो भी मछली आप दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से क्या प्राइस रेट क्या मेंशन होगा ना नहीं होगा? देखिए प्राइस मेंशन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर या तो फ़ोन नंबर दे दिया हो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं प्राइस बता दूंगा। हाँ मैं अप्रॉक्स प्राइस बता दूंगा आप लोग को, मगर डेफिनेट प्राइस हम नहीं बता पाएंगे इन द वीडियो, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है डेफिनेट प्राइस बताने से, क्योंकि देखिए आज वाला जो वीडियो आकाश भाई शूट कर रहा है बहुत कस्टमर है, आकाश भाई मेरा वीडियो पहले भी शूट कर चुके हैं, हाँ दो बार कर चुके हैं वो, हाँ ये तीसरा बार है। मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, कस्टमर लोग 6-7 महीने पुराना वीडियो देखता है, बोलता है तो आप तो उस टाइम में वो कोट किए थे, मगर कस्टमर लोग भूल जाता है कि देखिए मार्केट में अप डाउन चलता है, ठीक है, हमेशा रेट सेम नहीं हो सकता है, ठीक है, फिश भी सेम नहीं हो सकता है, रेट भी सेम नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम रेट अप्रॉक्स एवरेज रेट बता देंगे कि इस रेंज से इस रेंज तक मेरे पास डिस्कस मिलेगा। कुछ कुछ टैंक का हम बता देंगे कि हाँ इस टैंक में ये वैल्यूएशन का फिश है, इस टैंक में ये वैल्यूएशन का फिश है, ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उस फिश का वही वैल्यूएशन है, राइट। हाँ ये नहीं कोई भी नहीं बोल सकता है कभी, क्योंकि आज ये फिश है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि 6 महीने तक वही फिश रहेगा, तब तो हम सेल क्या कर रहे हैं, तब तो मुझे दुकान बंद कर देना पड़ेगा, बराबर बात है इसमें, ठीक। और ये तो टैंक हो गया, हाँ, और दूसरे इस टैंक में आ जाइए, इस टैंक में आपका है कार्नेशन ऊपर वाला है कार्नेशन, इसके पीछे आ रहा है ब्लू स्कॉर्पियन और उसके बाद ठीक है ये आ रहा है रेड बेस लेपर्ड ओके, ठीक है। अच्छा। इस टैंक का जैसे मैं अभी बोला हाँ कि वैल्यूएशन, इस टैंक का वैल्यूएशन आपका अगर पकड़ के चलो तो 900 से 1100 के बीच में। अच्छा। इस टैंक में जो मच्छी है इसमें 900 से 1100 के बीच में। हाँ साइज है 3.15 इंचेस, ठीक है, साइज फ्रॉम हेड टू टेल, ठीक है। और थर्मोस्टेट लगा के रखा है क्या है? देखिए थर्मोस्टेट मेरा हर एक डिस्कस टैंक में देखिएगा, मगर कनेक्शन नहीं देखिएगा, राइट, कनेक्शन ऑफ है सबका, ठीक है, सिर्फ थर्मोस्टेट हम रख देते, सॉरी सर थर्मोस्टेट हम रख देते ये नहीं क्योंकि कि इस टैंक का यही थर्मोस्टेट है, ठीक है, जब जरूरत पड़ा हम उसको प्लग इन करके चला दिए। हाँ कोई मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों रखने का क्या जरूरत है, बाद में भी तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ जरूर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये नहीं कि हम नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, मगर मुझे घंटा समझ में आएगा कि ये कौन सा थर्मोस्टेट किस एक्वेरियम का था, हम तो एक बार उठा के एक साथ रख देंगे, उतना मार्क करके रखना पॉसिबल नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी कि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, एक थर्मोस्टेट, उसका वायर, इसका जो रबर का कैप रहते हैं ऊपर, दीज आर द मेन कैरियर, उसमें अगर कोई फंगस बैक्टीरिया लगा होगा वो मरेगा नहीं, जब भी हम उसको रीइंट्रोड्यूस करेंगे टैंक में वहाँ से वो जनरेट करने लग जाएगा, तो जिसका थर्मोस्टेट वहीं पे रखो प्लग ऑफ करके रख दो, कोई दिक्कत तो है नहीं, उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं है एकदम। अगर कोई बंदा स्पॉन्ज फिल्टर भी अगर साफ कर रहा है तो मैं बोलूँगा कि जिस दिन स्पॉन्ज फिल्टर उसका साफ कर रहे हो उस दिन ही उसका साफ करो, इमीडिएट साफ करके उसको रीइंट्रोड्यूस कर दो, ये नहीं कि आप बाद में 5-6 स्पॉन्ज फिल्टर को रख दिए, आप मैं यकीन से बोल सकती हूँ 1 घंटा बाद आप भूल जाओगे कि कौन सा स्पॉन्ज फिल्टर किसका था, ऑब्वियस होता ही है, इतना हम लोग का ब्रेन में नहीं चलता है, तब तो सब कोई आर्यभट्ट और आइज़क हो जाता है, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे इधर, हाँ इधर इधर में व्हाइट फेस रेड है, व्हाइट फेस रेड
ये है वाइट फेस रेड, फेस पूरा वाइट होगा, बॉडी रेड होगा, ये है वाइट फेस रेड। अच्छा, हाँ, अगर आप नोटिस करोगे इस वाला फिश को आप फोकस करो, दीज आर गोल्डन फेस रेड, आरजीडी। आरजीडी का स्पेशलिटी होता है फेस गोल्डन होगा, पूछ जहां से स्टार्ट हो रहा है दैट पार्ट वुड बी गोल्डन। इसको थोड़ा घूमने दीजिए तब समझ में आएगा आपको। अगर आप पूंछ की तरफ, ये घूम भी नहीं रहा है, अगर आप पूंछ की तरफ फोकस करोगे देखोगे कि एक ये देखिए right, एक हल्का येलो बॉर्डर आएगा, दैट इज रेड गोल्डन डिस्कस। यहाँ पर फोकस, यहाँ पर राइट, ये भी सेम है, हाँ, रेड गोल्डन डिस्कस। दिस इज मतलब इससे आपको पता चलेगा कि आरजीडी है कि नहीं। रेड गोल्डन डिस्कस का मतलब ही है कि फेस गोल्डन होगा, पूंछ जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका सामने थोड़ा गोल्डन मार्किंग आना चाहिए, दैट इज अ प्रॉपर ब्लड लाइन जेनेटिकली। ठीक है, और इधर इधर का जो टैंक है प्राइस रेंज, मतलब जो बोला है इसका प्राइस रेंज अप्रोक्स है 800 से 1000। अच्छा, 800 से 1000। यहाँ पर दो ठो फॉरएवर रेड है, एक वो वाला है नीचे वाला, एकदम नीचे वाला, होंठ से एकदम पूंछ तक पूरा रेड, दो पीस ही है और एक पीस ना गया, एक पीस शायद ये हाँ ये वाला। अच्छा, हाँ, यही दो पीस है फॉरएवर रेड। अच्छा, मतलब जब बड़ा होगा पूरा एकदम डार्क रेड लाइक टोमेटो केचप राइट फ्रॉम होंठ से लेके पूंछ तक। और डिस्कस का बढ़िया खाना क्या है? ये क्वेश्चन है जो देखिए, डिस्कस का मेन स्टेपल बढ़िया खाना है, उससे बेहतर नहीं हो सकता है कुछ। ठीक है, मैं एक हिंदू फैमिली ब्राह्मण होके कोई कास्ट के वो लेके हम बात नहीं कर रहे हैं, मगर हम बोल रहे हैं BHM दैट इज बीफ फैट। ठीक है, मगर हम लोग खिला नहीं सकते, सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं खिला सकते, तो उसका सब्स्टिट्यूट हम लोग खिलाते हैं गोट हार्ट, GHM दैट इज गोट हार्ट मिक्स, जो बनाया जाता है डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स देके, जिसमें गाजर होता है, बीट होता है, पालक होता है, चिंगरी मतलब जिसको झींगा बोलते हैं आप लोग, हाँ सबको, हाँ चिंगरी प्रॉन्स, प्रॉन होता है उसमें, सैल्मन आप डाल सकते हो, सैल्मन नहीं मिलेगा तो भेटकी का फिश फ्राई के लिए जो होता है वो आप क्रश करके गोट हार्ट के साथ मिक्स करके डाल सकते हो। A to Z मल्टीविटामिन पड़ता है उसमें, हाँ जो ज़रूरत है। स्पिरुलिना पाउडर पड़ता है, स्पिरुलिना पाउडर का अंदाज़ा होता है फॉर एवरी 100 grams ऑफ गोट हार्ट 5 grams ऑफ स्पिरुलिना, सॉरी 3.75 grams ऑफ स्पिरुलिना, 150 ग्राम के लिए 5 ग्राम स्पिरुलिना पाउडर। ठीक है, स्पिरुलिना पाउडर आपको फ्रैंक रॉस या तो एपोलो फार्मेसी में मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो ऑर्डर देने से उन लोग मंगवा देता है। ठीक है, ये हो गया, ये सब मिक्स करके हम लोग एक खाना बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द GHM फ्रोजन, एकदम डीप फ्रीज से निकालते हैं, तोड़ते हैं, डाल देते हैं। ये मत सोचिए कि मच्छी को ठंडा लग जाएगा, बुखार होगा, कुछ नहीं होने वाला है, उन लोग एकदम उससे उन लोग तंदुरुस्त रहता है, उससे क्या होता है उन लोग का ग्रोथ होता है, कलर होता है, हेड बढ़ता है, जितना हेड चौड़ा होगा डिस्कस का उतना डिस्कस का वैल्यूएशन है उसका, डिस्कस का ब्यूटी है, ब्यूटी है। अच्छा। ये हो गया गोट हार्ट, गोट हार्ट हो गया, फ्रोजन ब्लड वर्म्स है, ठीक है, स्टेरिलाइज्ड, हाँ, आर्टिमिया है, हेल्दी मियाँ है, ये सब आप खिला सकते हो, मगर बहुत बंदे हैं या तो बहुत कस्टमर्स हैं जिसका फ्रीज में ये सब रखना अलाउ नहीं है। ये तो हो गया एनिमल प्रोटीन, हम बोल दिया आपको, क्योंकि क्वेश्चन कस्टमर का साथ आएगा ही आएगा कि हम लोग नहीं खिला सकते, फ्रीज में अलाउ नहीं करेगा घर वाले। ऑब्वियसली हो ही सकता है, मेरा फ्रीज में अलाउ कर रहा मतलब थोड़ी ना किसी और का वाइफ या जो घर की मम्मी पापा उन लोग अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट जो ड्राई है मैं बोलूँगा मार्केट में बहुत अवेलेबल है, मगर प्लीज़ जेन्युइन चीज़ देख के खरीदिए। D50 ग्रैंड चैम्पियन आप खिला सकते हो ड्राई में, सेरा ग्रैन्यूल्स आप खिला सकते हो, डिस्कस बिट्स आप खिला सकते हो, वाइल्ड डिस्कस बोल के एक खाना है वो खिला सकते हो। दूसरा, सबका मुंह पे सबका ज़ुबान पे एक नाम सुन 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 के हम लोग पक गए हैं और सुनते ही रहते हैं, छोटे बच्चे से पापा जैसे उम्र के पास भी उन लोग के पास है टेट्राबिट्स, राइट, टेट्राबिट,
जब कोई कोई भी डिस्कस लेते हैं बोलते टेट्राबीट्स खिलाने से हो कलर एनहांस करेगा। टेट्राबीट्स चावल है सिर्फ, ये समझ के चलिए जैसे दूसरा मच्छी के लिए ऑप्टिमम चावल है और कुछ नहीं है, खाएगा जिंदा रहेगा कलर आएगा हाँ, मगर बाकी अगर आप सोचोगे कि ग्लेज आएगा ब्यूटी आएगा ये नहीं आ सकता है, पॉसिबल नहीं है। अगर टेट्राबीट से ही होता तो ग्रैंड चैंपियन D50 पागल है कि उतना कॉस्टिंग खाना बनाता है, कंपनी दूसरा कुछ बनाता है हाँ, उतना R&D करके वो ग्रैंड चैंपियन D50 सेरा ग्रैनुल्स नहीं बनाते हैं। जब टेट्राबीट्स ऑल पर्पज सॉल्व करता है तो ठीक है हाँ, मगर हाँ बात ये है कि सब कोई बोल सकते हैं दादा ग्रैंड चैंपियन D50 बहुत कॉस्टली है, हाँ मानता हूँ कॉस्टली है, सच्ची में कॉस्टली है, DG है, DG इज कॉस्टली, सेरा ग्रैनुल्स कॉस्टली है हाँ, मगर एक चीज़ समझना चाहिए कि भाई तुम डिस्कस पाल रहे हो, वीडो नहीं पाल रहे हो हाँ, किंग ऑफ फिशेस को राजा की तरह ही रखोगे ना हाँ, और डिस्कस को ट्रीट देम एज ए फैमिली मेम्बर, जैसे तुम्हारा बेटा हुआ बेटी हुआ, घर में अगर कोई कुत्ता पालते हो तो तुम उसको क्या फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हो, ट्रीट डिस्कस ऑल्सो एज ए फैमिली मेम्बर। ये रिक्वेस्ट है फ्रॉम ए हॉबिस्ट फ्रॉम ए सेलर ऑल्सो, टू डिफरेंट हॉबिस्ट ठीक है। अगर जेन्युइन हॉबिस्ट हो तो ऑब्वियसली वो खर्चा करता है हम देखें, मगर सिर्फ पालने के तुम लिए तुम डिस्कस पाल रहे हो हाँ, मेरा लिविंग रूम में एक टैंक है 10-12 डिस्कस है जबरदस्त, मगर खिलाऊंगा मैं सिर्फ टेट्राबीट्स सॉरी बॉस वो ग्लेज नहीं होगा, तब उतना कीमती डिस्कस खरीदने का जरूरत नहीं है हाँ, नॉर्मल ले लो डिस्कस लो डिस्कस ले लो, मार्केट में अवेलेबल होता है बहुत अवेलेबल, 400, 450 में डिस्कस बहुत मिलता है, ये नहीं मिलेगा, मगर उम्मीद मत करो कि वो क्वालिटी और नेट और गूगल में जो पिक्चर देख रहे हो उसका क्वालिटी में क्वालिटी आएगा, कभी भी नहीं आ सकता है। कलर छोड़ दो वो कलर का मान नहीं, कलर हम आप मुझे मैं इतना बता रहा हूँ हाँ, और नाम भी चेंज कर देते हम रेड डॉल हाँ। हम उस दिन गए थे हाँ, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ सेलर का हाँ, मैं ओपन बोल रहा हूँ गलीफ स्ट्रीट में गया था मैं, मुझे बोल रहा है रेड डॉल, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैं देख कभी कभी जाना चाहिए क्योंकि मार्केट सर्वे के लिए हाँ, जो मुझे लगता है कि जो सारे जितना अच्छे सेलर्स है वो मार्केट सर्वे करता है। आप यकीन नहीं मानोगे आकाश, मिड ऑफ जून से पूरा जुलाई मैंने दुकान बंद रखा था, मगर ऑन ऑफ हार्डली मेरा दुकान में 15-20 मच्छी था सब मिला के। मैंने पूरा मार्केट सर्वे किया, मैं जयपुर गया, दिल्ली गया, बॉम्बे गया ठीक है, जस्ट टू सी द मार्केट कि मार्केट में चल क्या रहा है, कि इज इट दैट सिर्फ कलकत्ता में इतना हालत ख़राब है मच्छी का कि ऑल ओवर इंटरनेशनली या सॉरी नेशनली ये ख़राब है मार्केट में। आप यकीन नहीं करोगे, सबसे बढ़िया बढ़िया दुकान दिल्ली का एक सबसे बढ़िया दुकान है लक्ष्मी नगर पे, बहुत बंदे जानते होंगे जो लोग पुराने खिलाड़ी है हाँ इस लाइन का हाँ, लक्ष्मी नगर में एक 4 मंजिल वाला दुकान है दिल्ली में हाँ, बहुत पुराना मेरा जानकार में है क्योंकि मैं आधा टाइम अपना लाइफ का दिल्ली में बिता चुका हूँ तो जानते हैं बहुत बंदे तो जाके वहाँ पर देख रहा हूँ, करीबन उनका जो नीचे बेसमेंट वाला टैंक है वो सारे 6-2-2 का टैंक है, समझ लीजिए 6 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट सारे टैंक हैं। उसमें क्या है, टाइगर शार्क उनका पहला था, टाइगर शार्क मिल्की कार्प उनका बड़ा बड़ा रहता है, बाकी 6 एक्वेरियम में सिर्फ वीडो, जो भी दुकान में जा रहा हूं मच्छी होना हो सिर्फ एक मच्छी कॉमन है दैट इज वीडो, मतलब मुझे तब समझ में आ रहा है दैट दिस इज द फिश जो मार्केट में चल भी रहा है और मार्केट को किल भी कर रहा है एकदम, पूरा डैमेज हो गया मार्केट डैमेज, क्योंकि देखिए फैक्ट है 10 रुपये में इतना कलरफुल मच्छी कहाँ मिलेगा, मेंटेनेंस जीरो, खाना आप अगर हफ्ते में 3 दिन दो बहुत बड़ी बात हो गई हाँ वीडियो के लिए ठीक है, पंप चलाओ ना चलाओ मतलब नहीं है, हीटर का खर्चा नहीं है, लाइट का खर्चा नहीं है ठीक है, पानी साफ करने का मतलब नहीं है हाँ, 3 महीना बाद थोड़ा एक बाल्टी पानी चेंज कर दो तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी उन लोग के लिए, उन लोग भी खुश आप भी खुश, टैंक साफ सुथरा हमेशा, बरोबर बात
एकदम आप इतना जगह आप करते हो, घूमते हो, हर जगह आप एक चीज देखोगे वीडो, क्योंकि और ये अभी क्या बोलूँ मैं मौकरी किसी को मैं लो नहीं दिखाना चाहता हूँ, मेरा पास भी वीडियो है, क्योंकि दुकान चलाने या मार्केट में रहने के लिए आपको मार्केट के हिसाब से रहना है, मार्केट के हिसाब से रहना है। और अभी जो मैं आकाश से डिस्कस कर रहा था जब मेरे पास आया था आज ही अभी पहले शूट के पहले, कि अभी दो स्टेज का कस्टमर्स हो गया है। एक है जो वीडियो प्लेटी गप्पी, हाँ okay, मैं बोल रहा हूँ कि लो रेंज कस्टमर, हाँ, मगर अब भी ऐसा हुआ जो लोग गप्पी के शौकीन थे उन लोग वीडियो में शिफ्ट कर गया। जो लोग प्लेटी मॉली, देखिए मॉली बहुत तरह का मॉली है, अगर आप मॉली में कल्चर करते हो तो यकीन मानो मॉली करीबन 15-20 एक्रियम वैराइटीज ऑफ मॉली में बढ़ जाएगा, मगर मार्केट में कोई लेगा नहीं। सब कोई जितना भी मॉली अच्छा मॉली हाँ अच्छा है ठीक है, सब कोई बोलेगा अच्छा है, फोटो उठाएगा, मगर वीडियो का टैग में ऐसे झांक के देखेगा, हाँ ये कितना करके है, हाँ ये मुझे 15-20 तो दे दीजिए मिला के, हाँ क्योंकि वो देखने में सच में अच्छा लगता है, वो बात मानना पड़ेगा, मान के हम लोग को चलना पड़ेगा ये मार्केट में। तो यही है कि आज के ज़माने में आजकल एक वो लेवल्स कस्टमर्स है और एक एकदम हो गया हाई लेवल कस्टमर्स, जो लोग अरवाना फ्लावर हॉर्न ऑस्कर पैट मतलब मॉन्स्टर सेमी मॉन्स्टर मॉन्स्टर और हाई लेवल कस्टमर हो गया, जो बीच वाला कस्टमर था दैट इज टोटली गायब। हाँ ये मेरा कॉन्सेप्ट है, देखिए ये चीज़ ऐसा है कि ये संतरा की तरह है, एक संतरा मुझे मीठा लग सकता है वही आकाश भाई को खट्टा लग सकता है, ये नहीं कि ये हमेशा चलता रहेगा। चिप इनबिल्ट विद सर्टिफिकेट है, बिना सर्टिफिकेट के कुछ नहीं, हाँ सिल्वर छोड़ के बहुत कितना अच्छा लग रहा है। देखिए इधर जो टैंक का फुट कितना है, ये 5 फुट हाइट है, ठीक है अच्छा, और पीछे ये फुट हिमल को ज्यादा ही एग्रेसिव है इसका, अच्छा अच्छा ठीक है। और मिला जुला के जैसे ये बड़ी वाली है 5 इंचेस,